इतना पैसा खर्च और करके तुम ऐसा थोड़ा कैसे सा दिखा रहे हो यार? का है, हम दिखाएंगे यार थोड़ा रुक जाओ यार। क्यों? तुम शादी का कैमरामैन जैसे कर रहा है, तुम घुस घुस के मुंह के अंदर। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे से होंगे। और आज मौसम को देखते हुए हम लोग चिकन बनाने का प्रबंध किए हैं। रांची का मौसम को तो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए चिकन और सारा सामान घर में रहता है, बस चिकन लाना पड़ता है। तो अभी हम काट रहे प्याज और आंसू उसी से निकल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा आंसू गिर रहा था, पर उसको हम लोग कवर नहीं कर सके। तो अभी प्याज काट रहे हैं, उसको देखिए। अब पूरा बिहारी स्टाइल में ही आज चिकन बनाएंगे। हमको प्याज उतना अच्छा से काटने नहीं आता है, पर आज मम्मी दे दी है काटने, तो हम काट रहे हैं। दोस्तों, प्याज की क्वांटिटी आप लोग देख सकते हैं, प्याज कट चुका है। लगभग दो किलो के आसपास प्याज है। और कभी भी चिकन बनाते समय प्याज डालने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, पूरा टेस्ट प्याज ही डिसाइड करता है। अभी चिकन धोना है। चिकन धोने के बाद मसाला पीसेंगे। चिकन धोते समय आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा रहे, क्योंकि बहुत लोगों को चिकन रॉ देखना पसंद नहीं होता है, उन लोगों को अजीब अजीब लगता है। तो हम लोग डायरेक्ट उसको मसाला में डाल के दिखाएंगे। हम चिकन बना रहे हैं और तुम लोग यहाँ पर बैठ कर मेकअप कर रही है। हाँ, शूट करने जा रहे हैं। देखो, चिकन ना अच्छा स्वाद अगर आए वो तुम्हारे हाथ से आता है, तुम जो बनाते हो। हम लोग से नहीं बनता है, दीदी से भी नहीं बन पाता, और शुरू से तुम ही बनाते हो। तो और ऐसे चापलूसी करने से कितना दिन तक खाओगी बैठ यार? तुम्हारे हाथ में स्वाद है, टेस्ट है, इसीलिए शांति से आ जाओ अभी और पुलाव बनाने का तैयारी करो। इसलिए अब जल्दी से जो भी करना करो। इधर ही तुम कहा है, साइलेंट किलर बनी हुई हो। है ये दिखा दिखा मुंह दिखा मुंह दिखा अरे बाप रे, ये प्राणी अभी विलुप्त होने की कगार में हो रहा था तुम्हारे आने के चक्कर में, लेकिन पकड़ा गया। इधर थोड़ा सा दिखाओ अपना चेहरा। हम नॉमी में बहुत काम किए, तो डोंट डिस्टर्ब मी। और नहीं, इधर इधर कौन करेगा अभी चिकन वाला काम में? और एक एक्स्ट्रा चिकन मंगवाती हो, तुमको दोस्त लोग को देना है, और उसके लिए भी तुमको हेल्प नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हम इधर से मेहनत करते हैं। इधर से कहाँ से? मुंह से। क्या क्या मेहनत? तुमको अप्रिशिएट करेगी। देखो, खा के तुमको अप्रिशिएट करेगी, तुमको दुआएं देगी, तो वो ज्यादा अच्छा है ना। सही बात है। और कितना रुपए भेजी हो तुम चिकन के लिए? हाँ बोलो। पानी ले आओ। काम करो। पानी खत्म हो गया है? काम करो। नहीं, मोटर चल रहा है, आज खत्म हो जाएगा, पानी लगेगा। अच्छा, तो बाल्टी दो ना, इसमें हो जाएगा। मेरा वीडियो कहाँ ले तो रहा है? इलो नहीं बनाएगी चिकन, हेल्प नहीं करेगी? नहीं, तो पराई होती है, आता है ना, तो रोडे पर से अपना इंतजाम कर लेती है। चारे पाँचों को बात करके बतावे की मैं क्या। तो उसकी पार्टी हो या मेरी पार्टी हो? नहीं, सोच का पार्टी हो। बोल रहे हैं कि तुम लोग लैपिनोस पिज्जा बाय वन गेट वन रात में मंगाई थी, वो क्यों नहीं खिलाई? इधर कैमरा करो, हम बताते हैं। जो तुम रोज हर अल्टरनेटिव डे सीवीएस जाते हो, मेन रोड जाके चार पराठे खाते हो, चाउमीन खाते हो, ऑनलाइन चुपके से ऑर्डर करके हो, पिज्जा खाते हो, सब कहां गया हिसाब? हम लोग आते हैं मांगने के लिए, हर दूसरे दिन जाते हैं। तुम लोग से कम खाते हैं? चलो, हर दूसरे दिन जाते हो, हर दूसरे हम लोग जो खाते तुमको लेके जाते हो, तुम कभी लेके जाते हो? कभी नहीं हो सकता है कि तुम्हारे दोस्तों। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, हम आप लोगों को चिकन रेसिपी के और ले चलते हैं। हो गया, तिनका पता चला, सच सामने आने लगा तो खुद अपना रास्ता झाड़ के अपना जा रहे हो। जाओ जाओ, काम करो। ऐसे जा रहे दोस्त, पानी लेके आ रहे। रांची का अभी बिजली का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगा कब चला जाएगा। तो पानी भर लेते, उसके बाद बस फिर चालू रखते हैं। प्याज मम्मी ना काटने से पहले धोना चाहिए, तुम पहले ही धो देती है। पहले करते थे, क्या कहती थी? पहले प्याज टुकड़ा टुकड़ा करके धो के तब काटते थे। अब ऐसे काहे काटती हो? अब देह नहीं चलता, बैठते हैं झोले के। मेरे कहने पर एल्युमिनियम का बर्तन अब धीरे धीरे घर से रिप्लेस हो रहा है, और लोहा का और लोहा का कढ़ाई को और लोहा का बर्तन, तांबा पीतल का बर्तन को घर में जगह मिल रही है वापस से। मुनियम के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए, सेहत के लिए ठीक नहीं होता। लोहा में बनाइए, भले थोड़ा सा काला हो जाएगा उसका कलर, पर अच्छा लगता है। यहाँ गरम मसाला कोटा डाला जा रहा है मसाला को पीसने के लिए। अरे दोस्तों, पानी गर्म हो रहा है, क्योंकि चिकन में भी हाल फिलहाल ही बर्ड फ्लू आया था, तो चिकन को एक बार गर्म पानी से भी साफ किया जाएगा। प्याज को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो गया, और आप लोग सोचेंगे इतना देर से भूंज रहे फिर भी लाल क्यों नहीं हो रहा है।
क्योंकि अभी तक हम लोग इसमें नमक नहीं डाले, और जैसे ही नमक डालेंगे तुरंत से लाल हो जाएगा, तुरंत से भूंज आ जाएगा। बस अभी इसको लाइट फ्लेम पे हल्का हल्का भूंज रहे हैं, नमक जा रहा है इसमें ताकि थोड़ा सा जल्दी अब प्रोसेस आगे बढ़े, भूंज आ जाए। बस तो लगभग भूंज गया है, पूरा लाल हो गया है, तो अब चिकन डालने का बारी आ चुका है। अब इसमें चिकन डालते हैं। लगभग 1.5 से 2 महीने के बाद चिकन को हम टच कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं। बर्ड फ्लू के चलते होटल में नहीं खा रहे थे, बर्ड फ्लू के चलते 1.5-2 महीने से चिकन नहीं खा रहे थे, और अब खाएंगे। मटन चल रहा था, मछली चल रहा था, बस कोलकाता भी गए ना तो चिकन नहीं खाए। चिकन पूरा तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, तब तक आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि आप लोग को कौन सा चिकन पसंद है, चिकन कढ़ाई, बटर मसाला, होटल वाला या घर वाला। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तुमको कौन सा चिकन अच्छा लगता है मम्मी खाने में? देहाती, वो जो देसी चिकन आता है वो? हाँ, वो तो बात अलग है, जो मुर्गा हम लोग बनाते हैं देहाती स्टाइल में, हमको भी तो वही पसंद है, और ज्यादातर लोगों को वही पसंद होता है। होटल वाला बस ऐसे ही जाते हैं तो कुछ कुछ मंगा लेते, क्योंकि वो लोग देहाती टाइप को बनाने में बहुत, उन लोगों को बनाने नहीं आता है। चिकन जा चुका है अब भुंजे हुए प्याजों में, चिकन की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा है, चलाने में दिक्कत होगा। मसाला पूरा चल गया है, पिसा हुआ मसाला, हल्दी गया, मसाले में क्या क्या था मम्मी? लहसुन था, अदरक था, गरम मसाला गोटा था, जीरा गोलकी, लाल मिर्च और इलायची, गरम मसाला में जितना आता सब कुछ था। अब नमक गया, जितना हम लोग स्वाद अनुसार खाते हैं, अच्छे से मिला दिया जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे भून देंगे हम लोग हल्के आँच पर। मसाला मिला के ढक दिए हैं, अब इसको धीरे धीरे हम लोग चलाते रहेंगे, और यहाँ पर चावल भी तैयार होते रहेगा। सलाद के लिए खीरा छील लेते हैं, आज टोटल काम हम ही को करना है, मम्मी तब तक चिकन चला रही, क्योंकि चिकन हमसे नहीं चल रहा था। धीरे धीरे रंग चढ़ रहा है, और ये आयरन का कढ़ाई है तो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क होगा, काला टाइप का होगा। ये गरम मसाला पाउडर जा रहा है इसमें। दोस्तों चिकन मसाला डाल दिए हैं, और पहले ही डाल दिए थे तो मम्मी बस हल्का सा एक्शन में करके दिखा दी। 2 पैकेट चिकन मसाला डाले हैं इसमें, MDH का ये वाला, खराब आ रहा है इसका स्वाद और रंग। वोट कलेजी एकदम भुंजा भुंजा निकाली, इसको खाते हैं और आप लोगों को टेस्ट बताते हैं। ये है कलेजी का टुकड़ा, और इसको देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। बहुत ही स्वादिष्ट बना, एकदम मस्त। खास आप लोगों को खिला पाते पर आप लोग वर्चुअली ही टेस्ट कीजिए। लाजवाब, रांची का मौसम के लिए ऐसा भुना हुआ चिकन ही अच्छा लगता है। मेन कोर्स के समय जब सब कुछ साथ में बैठ के खाएंगे तो आप लोग से मिलते हैं, तब तक ये हम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, निपटा लेते हैं, फिर बात करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, पानी डालने के बाद मसाला इतना कड़ा था कि पानी डालने के बाद भी इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और अब थोड़ा सा गार्निशिंग, थोड़ा धनिया पत्ता डालकर इसको प्रेजेंटेबल बनाते हुए, और थोड़ा सा इसका धनिया पत्ता का स्वाद भी आ जाएगा। और यहाँ पर अभी बनाने की, यहाँ पर डॉगी लोग आ गए हैं, इतना मारेगा ना तुम, सुन के ऊपर से ही सूंघ रही थी। बीच शूट में हम लोग आए हैं, आहा मजा आ गया। वैसे मेरा भाई बनाता है अच्छा, लेकिन मसाला तो मम्मी पीस के दी। तो क्वांटिटी किंग तो मम्मी ही है, कि कितना क्वांटिटी में क्या जाएगा उसका डिसाइड मम्मी ही करेगी ना। मम्मी कैसा लग रहा है बताओ? हाय गाइस, मुर्गा खा लो, गर्म है अभी तो। एक कट्टा काटवे क्या बताओ कैसा है? एक कट्टा काट के अच्छा है। हम भी खाएंगे, मेरा मुंह में पानी आ गया। खाओ 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 और बताओ टेस्ट। यहाँ पर खाने के लिए बाद में, और पहले स्नैप भेजना है। स्नैप इज इम्पोर्टेंट गाइज, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट। और आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाई है ये फूड ब्लॉगर, बस वीडियो के लिए और स्नैप के लिए भी। ए भाई हम खड़े हैं, हमको थोड़ा सा रिव्यू दे दो। तो ये रहा, ये 10 दिन नहीं खाए थे, 10 दिन जो मेरे सोल को, आत्मा को 10 दिन रानी बर्ड फ्लू था तब से नहीं खा रहे हम लोग चिकन। हाँ सही में, तभी ना हम सोचे कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। मजा आ गया, आया ना मजा, चलेगा हम, मेरे हाथ में जादू है।
मजा आ गया। तुम शादी का कैमरामैन जैसे कर रहा है, तुम घुस घुस के मुंह के अंदर। दीदी क्या क्या पीस है पहले ये बताओ, हमको वो सब नहीं समझ में आता। कलेजी लियो तुम बस, ये देखो ये ले लो ना, ये वाला यूज करो। हाँ ये तो पीस है। और बड़े दिन के बाद खा यार। इसका फेवरेट पीस कलेजी होता। नीचे दीदी कलेजी लो ना तुम, कलेजी ले लेना, हम सब खा रहे हैं। पहले कलेजी खाओ। तुम कैमरा हटा, अच्छे से खाने वाले। नहीं पहले कलेजी उठाओ। इसका फेवरेट पीस है कलेजी। हार्टलेस पर्सन है। कैसा लगा? बहुत अच्छा। इसका हमको देख के हमको लालच आ गया, तो इससे कलेजी थोड़ा सा उधार ले ले रहे। खिला दो ना, पेट खराब हो जाएगा। चलो जब हम खाने दे। गजब का स्वाद है दोस्तों, बहुत अच्छा। तो अब मेन कोर्स के समय हम लोग मिलते हैं आप लोग से। तीन बार बोल दिए ये बात, अब डायरेक्ट वही मिलेगा। सच में फाइनल? लड़कियों कंट्रोल नहीं हुआ और खाना स्टार्ट कर दिया। अभी हम बोले थे रुकने, हम शूट कर रहे थे पता है, और रिंग लाइट जला के तुम लोग छोड़ के आ गई हो। क्यों? इन्वर्टर से नहीं कनेक्टेड है। तो लाइट आ गया है ना, तो जल रहा है, तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा घर मुके? वाह, इसी के लिए तो पापा तुमको पढ़ाए थे, इतना पैसा खर्च। और तुम थोड़ा सा दिखा रहे हो यार। काहे हम दिखाएंगे यार, थोड़ा रुक जाओ यार। क्यों? अरे यार गजब करता है यार ये। क्या क्या कर दिया? चावल बिल्कुल थोड़ा सा सरिया देते हैं, गंदा से खा रहे हैं। अच्छा रुको, प्रिटेंड कर रही हो? व्हाई नॉट, एवरीबॉडी प्रिटेंड्स। चाटली। तो दोस्तों देखिए खाना अपना स्टार्ट भी कर दी। यहाँ पापड़ अभी हम लेके आए हैं, हम शूट बीच में छोड़ के आगे खाने के लिए यार। कैसा बना? बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद चिकन नसीब में आ रहा है। तारीफ कर दो, मम्मी बनाई है। हम बनाए हैं, मम्मी बस मसाला डाली है, सब कुछ हम किए हैं। टेस्ट उसी का ना आएगा, मसाला डालिए तो होगा। 70% तो मसाले, मतलब हाथ ऐसे जो हिला दिए तो हम बनाए हैं। वाह, हाथ नहीं हिलाए हैं, बाकी का सब कुछ भुंजा भुंजी सब हम ही किए हैं। यही मेकअप कर रहे थे, कहाँ रुक गए? अब तुम लोग का होगा रेगुलर, अब एक्सपोज करेंगे हम। अच्छा मतलब रेगुलर व्लॉग्स आएंगे? नहीं रेगुलर एक्सपोज करेंगे। रेगुलर व्लॉग आएगा तभी ना। हाँ करेंगे रेगुलर व्लॉग, आ ही रहा है, कल भी डाले हैं, आज भी डाले हैं, अब रोज डालेंगे। पहले भी ना पर डे व्लॉग डालेंगे। अब ना कमेंट में सब इसको ना बोलिए, तो ये जो बोलता है ना हमेशा, वो क्लेम करता है कि डालेंगे, अब नहीं करेगा ना, तो कमेंट में बोलिएगा कहाँ गया आपका वादा। आधे लोग तो चल ही गए। ऐसे मत बोलो, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा भाई बहुत मेहनत कर रहा है मेरे भाई के लिए ना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वन लाइक वन सपोर्ट माई चैनल। तो खाना आ चुका है, अब हम खाना स्टार्ट करने वाले हैं। ये हुआ ग्रेवी और ये हुआ चिकन लेग पीस। खाना तो बहुत टेस्टी लग रहा, खासकर चिकन का कलर। ये देखिए आप थोड़ा ज़ूम करो, देखिए कितना टेंडर है चिकन। कैसा है टेस्ट? बहुत स्वादिष्ट। हेलो जी, अब हम मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना रानी? इस वीडियो को लाइक करना है, और चिकन लवर तो स्पेशली इस वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इस मुखड़े को, चांद सा मुखड़े को देख के। और साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने नवरात्र के बाद चिकन खाया कि नहीं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि, टाटा।